इंट्रोड्यूसिंग सैमसंग गैलेक्सी M31। दोस्तों, सैमसंग अपनी एम सीरीज़ का एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है इंडिया में, जो कि होगा सैमसंग गैलेक्सी M31। दोस्तों, इस बार आपको इस फ़ोन में काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, साथ में फ़ोन की परफॉर्मेंस भी आपको इस बार काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉपनेस डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगी 6.39 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड वाटर ड्रॉपनेस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 397 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, कोई भी कलर सेचुरेशन में इशू आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों, फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा। और फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा। तो फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन में आप पबजी गेम आराम से चला पाएंगे, कोई भी ज़्यादा लैग, हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम आपको फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम और कस्टम UI आपको मिलेगा सैमसंग वन UI 2.0। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको दो रैम वेरिएंट मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 4GB 64GB और दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। दोस्तों, बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 14,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, फ़ोन में आपको इतनी कम प्राइस में काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों, ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में मार्च 2020 तक। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।